हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू योरसेल्फ। और मैं हूं ज़िबा। सो पता नहीं कब से मैं इतने सारे रिव्यूज़ कर चुकी हूं, मैं वापस आगे भी बहुत सारे रिव्यूज़ करने वाली हूं, बिकॉज मार्केट में इतने सारे नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं गाइस, उन सबको मुझे यूज़ करना है। और जब मैं यूज़ कर रही हूं तो मैं आपको डेफिनेटली उनका रिव्यू बताऊंगी भी, है ना। सो गाइस, तो आज से पहले हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। मैं बहुत बार सनस्क्रीन के बारे में आपको बता चुकी हूँ, बट डिटेल में आई थिंक मैंने कभी आपसे बात नहीं करी है। बट आज हम सनस्क्रीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, नॉट बहुत लंबा डिटेल, बट स्टिल आपको क्यों यूज़ करना चाहिए और सन क्या करता है हमारी स्किन से, बिकॉज सनस्क्रीन हम सन के लिए लगाते हैं, राइट। तो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो गाइस। आपको पता है एक बार रिपोर्ट में भी आया था कि सनस्क्रीन इंडियंस में, इंडिया में सनस्क्रीन 70% लोग नहीं लगाते हैं, लगाते भी हैं तो गलत टेक्निक से लगाते हैं, गलत वे में लगाते हैं, उनको पता ही नहीं है कब को हमें सनस्क्रीन लगाना है। सो मैं कुछ हद तक आपको बता दूंगी, बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने सीखा है, मैं वो आपको बता दूंगी। सो गाइस, हम सबको पता है कि सन हमें विटामिन डी देता है, बट सन हमारे स्किन की बैंड भी बजाता है, वो भी बहुत गंदी तरीके से। गाइस, सन में UVA और UVB रेज होती है। UVA जो होते हैं वो भाई साहब बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, UVB भी गंदे होते हैं, बट UVA ज़्यादा होते हैं। UVA अगर हमारे स्किन पे पड़ रहा है, आपकी स्किन पे, हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी एजिंग लाइन जो होती है, जिसे हम झुर्रियाँ कहते हैं, वो आ जाएंगी, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगेगी, वो डैमेज कर देगा, ठीक है। UVB हमारी स्किन को बर्न करता है, बर्न करेगा तो टैनिंग होगी, और एक बार बर्न हो गया तो उसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ठीक करने में। जो सनस्क्रीन होती है ना, उसे हम सब अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं गाइस, एक बड़ा सा गेट है, जिसे हम आप एक बड़ा सा बैरियर बोल सकते हैं, हमारी स्किन पे लगा रहे हैं, जिससे कोई भी हार्मफुल चीज़ें हैं ना, वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाती। अगर आप बहुत तरह से होता है, पोल्यूशन भी हमारे स्किन के अंदर जाता है, राइट। अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं ना, वो सनस्क्रीन काफ़ी हद तक पोल्यूशन को भी रोकता है। गाइस, बहुत लोगों के जहन में होता है कि SPF क्या होता है, बता दूँ आपको गाइस, SPF की फुल फॉर्म होती है सन प्रोटेक्टर फैक्टर, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म ये है गाइस, उसमें PH किसी में 30 होता है, किसी में 40 होता है, किसी में 50, किसी में 100 ऐसे होते हैं। जिसमें 30 है वो हमें 95-96% हमें सन प्रोटेक्शन देता है, जिसमें SPF 40 है वो आपको 97-98% आपको सन प्रोटेक्शन देगा। जिसमें गाइस, अगर आप SPF 100 भी यूज़ कर रहे हैं तो भी वो आपको 99% ही प्रोटेक्शन देता है, 100% प्रोटेक्शन आपको कोई भी सनस्क्रीन नहीं देता है, ठीक है। और मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं सनस्क्रीन यूज़ करा है जिसके बारे में बता सकूँ, इसमें जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि हाँ, ये आपको 100% सन प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। सो गाइस, SPF का मतलब क्या होता है, ++, 3+, 4+, उससे क्या होता है, सनस्क्रीन भी जो है, अगर आप SPF 30 लगा रहे हैं ना, तो आपको 1-2 hours का सन प्रोटेक्शन देगा। अगर आप SPF 40 लगा रहे हैं, 2-3, ऐसे करते करते आपका जो है वो टाइम बढ़ जाता है, इतने टाइम तक आपको वो प्रोटेक्शन देता है। SPF 50+ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको आराम से वो 5-6 hours आपको प्रोटेक्शन देगा। सो अगर मैं आप जैसे करूँगी, आप SPF 50 के ऊपर जाएं, आप SPF 50 के नीचे ना जाएं। और अगर आप घर पे रहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल है, कॉलेज गोइंग गर्ल है, तो आप उसे बाहर जाके आप बाहर चले गए, सनस्क्रीन लगा लें, वापस से लगाना थोड़ा सा अजीब हो जाता है। एक बार घर से लगा के गए और वापस आके हम लगा लें, बस 4-5 hours हम बाहर रहते हैं, तो आप SPF 50 जाएँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो अभी फिलहाल के लिए मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बता देती हूँ। सो गाइज, अब जो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ वो है हमारा वाओ का सनस्क्रीन, ठीक है। सो ये है वाओ स्किन साइंस सनस्क्रीन स्प्रे, ये एक स्प्रे फॉर्म है। सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव इसका लगा स्प्रे फॉर्म की, मैं स्प्रे है तो ठीक है, मुझे हाथ में लेकर करना नहीं पड़ेगा, जिसमें इसको स्प्रे करूँगी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सनस्क्रीन स्प्रे, और इस पर लिखा है नीचे ऑल स्किन टाइप, इसका SPF 50 है, ठीक है, इसका SPF 50 है, तो मुझे 4-5 hours मेरी छट्टी जरूरत ही नहीं मेरे को लगाने की, और ऑल स्किन टाइप है, आपकी स्किन टाइप जो भी है यार लगा लो, मुझे आ जाने। नेक्स्ट लिखा है इसमें बोर्ड स्पेक्चर्ड सनस्क्रीन स्प्रे, इसका जो ये कार्डबोर्ड जो बॉक्स है ना, कार्डबोर्ड का है, तो ये रिसाइकिल वापस से हो जाएगा। इसके साथ में वाओ के जितने प्रोडक्ट होते हैं ना सब, ये जो पहले तो ये जो हमारा वाओ है, ये हमारा इंडियन ब्रांड है, लाइक इंडिया में ही कुछ बनता है। नेक्स्ट, इनके सारे प्रोडक्ट गाइस नेचुरल होते हैं, बट गाइस कुछ लोग ना नेचुरल प्रोडक्ट ही उनको परेशान करते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक बार आप पैच टेस्ट लिए, उसके बाद अपने फेस पे जाएंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्यूज विद एवोकाडो ऑयल, रेसबेरी एंड कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट फॉर कूलिंग एंड हाइड्रेटिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट UV rays।
हमने अभी यूवीज के बारे में बात करी है, राइट? तो ये आपको यूवी से प्रोटेक्शन देगा। इसमें कैरेट है, इसमें एवोकाडो ऑयल है एंड रेसबेरी है, ठीक है? सो और ये डर्माकोलॉजिकली टेस्टेड भी है, नो पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, बेंजोफोन कलर, ठीक है? मेड इन इंडिया है, इसे जो क्वांटिटी आपको 100 ml की क्वांटिटी मिलती है। प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सन डैमेज, सुन आप ध्यान से सुन लें सारी बातें। प्रोवाइड डीप हाइड्रेशन, सांस में आपको हाइड्रेशन भी देता है। फाइट ड्राइनेस कॉजेस बाय पोल्यूट एंड सन, गाइस पोल्यूशन से भी हमारे जो स्किन को डैमेज होता है वो, इसको भी बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है गाइस। कीप स्किन सॉफ्ट एंड सपल, इतना आप करें आपको सब कुछ इससे मिल जाएगा। एक ट्राई आप इसको प्लीज़ दें, आपको मज़ा आ जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है? तो इसको हमने यहाँ से ओपन करा, 300 और 320 एसिस के आसपास मेरे को मिल गया है। पर्पल पे आपको हमेशा डिस्काउंट मिलते हैं, तो आप सेल्फ लाइफ पे आपको 2 ईयर्स की इतनी सेल्फ लाइफ मिलती है। ऐसी क्वांटिटी इसकी 100 ml की क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता मेरे पास खराब स्प्रे आ गया, ये स्प्रे ऐसा ही होता है, इतना गंदा फेस पे आके लगता है ना गाइस। जब मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी मैंने ना एक आँखें बंद करी थी, जैसे मजे से हम टोनर यूज़ करते हैं, मज़े से बहुत सारा क्रीम लगाने का सही प्रोसेस मैंने आपको नहीं बताया है। जब भी आप कोई सनस्क्रीन ले रहे हैं गाइस, तो आपने उसकी एक अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी है। बहुत लोग बहुत थोड़ा सा लेते हैं, वो काम नहीं करेगा। जो सनस्क्रीन आप देख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा गोरा बना देगी ना, वो काम नहीं करती गाइस। सनस्क्रीन होती है हमारे स्किन के अंदर जाती है, बाहर क्या क्या दिखा रहा है वो आपको कि हाँ मैं आपको गोरा कर रहा हूँ, वो सनस्क्रीन नहीं मानी जाएगी। वो उस सनस्क्रीन कभी किसी को गोरा नहीं करती, राइट? वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है, गोरा कैसे कर देगी आप खुद सोचे। आपने बहुत सारी क्वांटिटी अपने हाथ में ली, उसको आपने डैब डैब करना है, उसको आपने रगड़ना नहीं है, हार्श बिल्कुल नहीं होना है अपने स्किन के साथ। उसको लगाया, उसको 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है? जितना जाना होगा वो अंदर जाएगा, उसको अंदर जाने दें 2-3 मिनट तक, 2-3 बार टाइम दे दें, ना छोड़ दें, 2-3 मिनट तक छोड़ेंगे। उसके बाद आप हल्का सा मसाज अपने फेस पे, अपने नेक पे, जो जो बॉडी आपका पार्ट जो खुला रहता है ना, आपने वहाँ यूज़ करना है। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा महंगी आती है, हमसे किसी का भी मन नहीं करेगा किसी बॉडी पे लगाएं। गाइस जो बॉडी लोशन आते हैं ना उसमें सन प्रोटेक्शन आता है, तो आप उसके साथ जाएंगे, ठीक है? तो ये हो गई लगाने की बात, और कहते हैं आप 1 से 2 बार लगा लेंगे तो काम बन जाना है आपका। इस तरह से ये फेस पे आते हैं, आप देखें एक बार, ये क्या है, ये इस तरह कौन आता है? ये जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत अच्छी है, आप देख लें ना, थिक है और ना बहुत ज़्यादा रनी है। तो मैंने इसको लिया, मैं जस्ट इसको डैब डैब करूँगी अपनी स्किन पे, आप देखिएगा जितना मेरी स्किन के अंदर चला गया, इसको कितना ज़्यादा ग्लोई बना दिया है। और इसमें एवोकाडो ऑयल है गाइस, तो आपकी हमारे स्किन को ना ड्राई बिल्कुल नहीं करता, साथ में बहुत अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो भी देता है। और इसकी स्मेल थोड़ी सी यू नो स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं, बट 2 से 3 मिनट बाद वो चली जाती है, वो नहीं रहती, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती ना स्ट्रॉन्ग, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता क्योंकि मैं ऐसे यूज़ ही नहीं कर पाती। बट इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, बट थोड़े टाइम बाद वो, थोड़े टाइम मीन्स 5 मिनट बाद चली जाती है, आप भूल जाएंगे कि आपने। सो ये हो गया है, मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप देख लें। इसका जो पैकेजिंग है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसे मैं लेकर ट्रैवल भी करूँगी, बट मैं स्प्रे नहीं करूँगी, मैं इसको अपने हैंड में लूँगी। आप भी स्किन देख ली कितनी मज़े की हो गई, लाइक सी, ठीक है? सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो, मैंने आपको सनस्क्रीन के बारे में ऑलमोस्ट आई थिंक सबसे जो ज़रूरत होती है मैंने आपको बता दी है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है? सो और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।